ये चैप्टर बात करता है पहले क्या चल रहा था, पहले क्या चीज़ें थी और क्यों ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड फील हुई कि आज गवर्नेंस एक मेजर एरिया बन चुका है। ओके ये चैप्टर में हम लोग वो सारी बातें समझेंगे। लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन डेवलप हुआ था कि ये एक फ्रेमवर्क देता है, हमें रूल्स रेगुलेशन सिस्टम्स प्रोसेसेस उन सब का फ्रेमवर्क देता है। आईसीएसए का कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफिनेशन ये था कि इट्स अ एप्लीकेशन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर ट्रू लेटरन स्पिरिट एंड एडहेरेंस टू द एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसको एक ही चीज़ करना है, लर्न, और कुछ नहीं बोल सकता बिकॉज अपने इंस्टीट्यूट का ही है तो पूछने के चांसेस है ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत सारी चीज़ें कवर करता है, कस्टम्स पॉलिसीज लॉज इंस्टीट्यूशंस ऑपरेशंस सिस्टम्स बहुत सारी चीज़ें। या यूँ बोलूँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब इट्स अ सिस्टम्स मैनेजमेंट। अगर आप अपने सिस्टम्स को मैनेज कर पाते हो दैट्स वेयर यू कैन से यू आर गवर्निंग द सिस्टम। देखिए तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ इंटायर सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। बिजनेस में वही देखना होता है और बड़ी बड़ी एंटिटीज भी वही देखती है और हम लोग लोअर लेवल पे भी वही देखते हैं कि हम अपने सिस्टम्स को कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है क्या? इट्स अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। इट इनकरेजेस कि अगर आपके सिस्टम सही तरीके से चल रहे हैं ना तो लोगों को विश्वास आता है। रिमेंबर इट इज दिस वे, कॉर्पोरेट्स या कहीं पे भी, इफ यू हैव टू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क गिव टू द मोस्ट बिजी पर्सन, वो जरूर कंप्लीट कर देगा। अगर कॉर्पोरेट्स में कल्चर है अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट वर्क देना है ना तो गिव इट टू द मोस्ट बिजी पर्सन। व्हाई? बिकॉज द बिजी पर्सन कंप्लीट्स मोस्ट ऑफ द वर्क। क्लियर? वो अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना जानता है एंड दैट्स व्हाई ही इज बिजी, क्योंकि उसका काम इधर खत्म होता है दूसरा फ्लो करता है, काम खत्म होता है दूसरा फ्लो करता है, तो वो अपनी प्रायोरिटाइज करना जानता है तो इसलिए वो बिजी है। ओके बट वन हु डज नॉट शो टू बी बिजी ही शुड बी एक्चुअली बिजी, बिकॉज देर आर पीपल हु शो देमसेल्व्स एज बिजी, नहीं यार आई एम टू बिजी। सो दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज अब ये साबित हो चुका है कि ऑन एन एवरेज इंडियन स्पेंड्स 5.5 आवर्स ऑन सोशल मीडिया वॉचिंग। ओके ये साबित हो चुका है, तो इसका मतलब कई जन ऑफिस में बैठ के भी अपने स्क्रीन का टॉगलिंग बराबर करते रहते हैं, ऑफिस में बैठ के देखते रहेंगे कुछ जहां पे बॉस आता हुआ स्क्रीन टॉगल। सो यस दे स्पेंड सो मच, तो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए कई जगहों पे कैमरा वगैरह लगा के रखता है पीछे की तरफ ताकि आप स्क्रीन पे क्या देख रहे थे वो भी दिखता रहे। ओके सो ये कल्चर उसी तरह से डेवलप हो रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का तरीका क्या था कि सामने वाले की ट्रस्टवर्दी मोरालिटीज इन सब पे ध्यान रखना। एंड गवर्नेंस इज कंसर्न विद अ वे टू एनकरेज डिस्टिंक्ट थिंग्स एंड एड्रेस द बोर्ड एज अ होल। ओके अब ये देखो ये वर्ड क्या लिखा है, एग्जैक्टली अच्छे से पढ़ने का है, ये पूरा पार्ट अच्छे से पढ़ने का है। द गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेवलप्स यू कैन से इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। ओके वो आपको एक क्रूशल एबिलिटी देता है कि लोग आप पे विश्वास क्यों करें और किस पर्पस के लिए करें, एंड दैट्स व्हाई यू नीड अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन वेल इन प्लेस। ठीक है अब देखो ये चार चीजें ये अपनी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव अ फेयरनेस, यू नीड टू हैव ट्रांसपेरेंसी, यू नीड टू हैव अकाउंटेबिलिटी एंड टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके तो ट्रीट योर सेल्फ इन योर लाइफ विथ फेयरनेस। ओके आई एम नॉट आस्किंग टू अप्लाई फेयरनेस, आई एम आस्किंग यू टू ट्रीट योर सेल्फ विद फेयरनेस। एंड देखो दूसरों को जितना झूठ बोलना है बोलो, कम से कम अपने आप के लिए तो ट्रांसपेरेंट रहो। हम अपने आप को भी बहुत बार झूठ बोलते हैं। ओके एंड हैव एन अकाउंटेबिलिटी पर्सन। ओके छोटी छोटी चीजों के लिए खुद अकाउंटेबल हो जाओ एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द थिंग्स, बिकॉज टिल द टाइम यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी लाइफ में वो सक्सेस नहीं पा पाओगे जिसके लिए आप इतनी मेहनत करें। क्लियर? यू हैव टू टेक दैट। एंड हु आर द स्टेक होल्डर्स? सो हियर दे आर। वापस से अभी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट ही किया है तो आपने स्टेक होल्डर्स देख सकते हो। नाउ व्हाई डू यू नीड दैट कॉर्पोरेट गवर्नेंस, व्हाट आर द एडवांटेजेस? देखो ये क्या लिखा है, एग्जैक्टली ये सारा पार्ट आ चुका है एग्जाम में, एवरी पार्ट दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूछा जा चुका है।
So it ensures corporate success, it maintains investors' confidence, it gives you the positive impact on the share prices, it give you that you can say minimizes the wastages, give you the confidence of formation and development, and manage the interest of the stakeholders and sustenance of the companies. So that is the benefit of a corporate governance. Why do you need a corporate governance? Okay, firstly, why do you need systems? Why do you need systems? Because if you have proper systems, तो ही governance better. Why do you need systems? Proper workflow होगा और क्या होगा? Why do you need systems? Execution proper हो जाता है, workflow हो जाता है और एग्जैक्टली बिजनेस गोइंग इन अ डाइवर्टेड मैनर वो आपको नॉलेज में आ जाता है. और व्हाई यू नीड सिस्टम्स, थिंक अबाउट इट. गोल को अचीव करने को मिलता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई यू नीड सिस्टम्स. दैट इज आप अपने परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो. आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने लोग आप पे विश्वास करते हैं और किन सिस्टम्स पे आप विश्वास करते हो. आप ये मार्केट अचीव कर सकते हो कि नहीं ये जान सकते हो. आप अपनी वैल्यूएशन सिस्टम्स की वजह से बढ़ा सकते हो. आप अपने फाइनेंस सिस्टम्स की वजह से बढ़ा सकते हो. यू कैन कॉम्बैक्ट द करप्शंस ऑल्सो. अगर सिस्टम्स बराबर में है तो लोग ब्राइब वगैरह कम लेंगे. रिमेंबर वन ऑफ द वेरी वेरी वेल नोन स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम अ बुक ऑफ राधाकृष्ण पिल्लई, कॉरपोरेट चाणक्य. Biggest of the organizations was destroyed by bribing. Okay, bribe was one of the thing that बड़ी से बड़ी किंगडम भी उसके वजह से गिर गई है. So उस चीज का चेक रखना बहुत जरूरी है. एंड इट रिड्यूस द कॉर्पोरेट स्कैंडल्स एंड अकाउंटेबिलिटी इज प्रमोटेड. दैट्स वाई यू नीड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो दैट्स हाउ इट इज. कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस यहां से लेके यहां तक याद रखना. दैट इज हाउ इट इंप्रूव्स योर कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस. Enhance investors' trust. यहाँ से यहाँ तक याद रखना. It gives you a good level of trustworthiness. Better global access. यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक याद रखना. It gives you a systems of global competitiveness. Investors का confidence बन जाता है. And you develop. Okay. Combating corruptions. यहाँ से यहाँ तक याद रखना. Sound system होगा तो corruptions कम से कम होगे. Ease of finance. यहाँ से यहाँ तक याद रखना. Finance structures has to be eased out and well managed. Enhance enterprise value. यहां से यहां तक याद रखना. The accountability operations has to be there. Reduce the risk of the corporate scandals. That is proper चीजें manage हो तो scandals कम होते हैं. And accountability. That is the environment जहां पे एक दूसरे को लियो accountability हो सके. Okay. Now, what are the elements? What are the scope? An important word is good corporate governance. सो एलिमेंट एंड स्कोप. एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के की प्लेयर्स कौन होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट एंड स्कोप में. सो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उनकी मेन पावर्स हमारे मेन प्लेयर्स होते हैं, क्लियर. उसके साथ साथ लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट बनाती है उसको फॉलो करना भी एक गवर्नेंस का पार्ट हो जाता है. देन जिस एनवायरमेंट में काम करते हो उसमें अपने आप को मैनेज करना और चीज़ों को मैनेज करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, बट यहीं पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम आता है. एंड बोर्ड स्किल्स, दैट इज बोर्ड में आप कैसे मैनेज करते हो नॉलेज एक्सपीरियंस नेसेसरी चीजें. ओके, दैट फाइनेंशियल लीगल ये सब चीजें. एंड बोर्ड अपॉइंटमेंट्स, एक वेल बैलेंस्ड बोर्ड होना बहुत जरूरी है. इसलिए मैंने बोला था आपको कि आपके फ्रेंड्स एंड एनिमीज कौन है इस चीज का ध्यान रखना. बिकॉज इफ यू हैव वेल बैलेंस्ड फ्रेंड्स एंड एनिमीज यू विल ग्रो एक्चुअली. ओके, तो आपके फ्रेंड्स भी आपको सोच के लेने, बट रिमेंबर एनिमीज भी सोच के लेने. Because if you have a good competitor, it promotes you to grow further. Okay? And if you have a good friend who actually helps you to grow further. याद रखना, जब फ्रेंड्स मोस्टली आपको नेगेटिव पार्ट्स बोलने लग जाए, इट्स नो गुड फॉर इट. ओके? आपके नेगेटिव पार्ट्स को देखते हुए वो आपको बताए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, तो फिर इट्स गुड फॉर इट. क्लियर? समझा? सो उन फ्रेंड्स को मत रखना जो सिर्फ आपके अंदर गलत बात है, या यू बोलो अपना फ्रस्ट्रेशन आप में निकालते रहते हैं. तो वो भी बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ऐसे लोगों को मैनेज करना, ठीक है. अच्छा, किंग्स रिपोर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कुछ चीज़ें दी गई थी. दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रोल क्या है. तो किंग्स रिपोर्ट का आंसर बस इतना ही है, क्योंकि ऊपर ये फिफ्थ पॉइंट था, उसके बाद ये सिक्स पॉइंट है.
किंग रिपोर्ट का बीच में डाला है, ये आंसर इतना ही है। ओके, सिर्फ इसके पॉइंटर्स याद ही रखने, बस इतना ही है। तो मैरिलिन किंग जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया था। बाकी बोर्ड इंडक्शन ट्रेनिंग कैसे चल रही है, बोर्ड का इंडिपेंडेंस कैसे है, बोर्ड की मीटिंग्स कब कब कहाँ होती है, कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेमवर्क डेवलप किया है कि नहीं, स्ट्रैटेजी सेटिंग कैसे चल रही है, बिजनेस कम्युनिटी ऑब्लिगेशंस क्या है, फाइनेंशियल ऑपरेशनल रिपोर्टिंग कैसे चल रही है, मॉनिटरिंग बोर्ड परफॉर्मेंस, ओके, ऑडिट कमेटी एंड रिस्क मैनेजमेंट अपनी जगह काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये ऐसे 15 फैक्टर्स और एलिमेंट्स हैं जो आपके पूरे कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? इसमें ये पार्ट डेफिनेशन के तौर पर याद रखना, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सबसे पहली इंडस्ट्रीज में से एक थी जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस को स्टार्ट करवाया था इंडिया में, या यू बोलो इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लिए बनाया था। ओके, जो कंपनीज इन CII के साथ जुड़ती थी वो लोगों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस बना था। तब 1998 में हमारे पास कोई कॉरपोरेट गवर्नेंस करके चीज़ थी नहीं। ओके, अब आते हैं हिस्ट्री के टाइम पे, हुआ क्या था और कैसे चीज़ें। कॉरपोरेट गवर्नेंस का इवोल्यूशन इन चार सेगमेंट्स में हुआ है, एजेंसी थ्योरी, शेयर होल्डर्स थ्योरी, स्टेक होल्डर्स थ्योरी एंड स्टीवर्डशिप थ्योरी। क्लियर? आर द डायरेक्टर्स एजेंट ऑफ द कंपनी, उससे निकला एजेंसी थ्योरी, डायरेक्टर्स आर एजेंट ऑफ द कंपनीज। क्लियर? इसका मतलब जो भी डायरेक्टर्स सोचते हैं कहीं ना कहीं वो कंपनी को बाइंड करता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो सिस्टम है कि डायरेक्टर्स की सोच जब इंप्लीमेंट होती है तो किस तरीके से कंपनी को बाइंड करता है। ओके, कंपनी क्या अपने उस गोल की तरफ जा रही है या गोल से डाइवर्ट कर चुकी है, ये आपको एजेंसी थ्योरी में मालूम पड़ता है। शेयर होल्डर्स थ्योरी, ओनर्स थ्योरी बोलते हैं, कंपनी का मालिक कौन। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जब तक प्रॉपर शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन रहता है, तब तक एक मैनेजमेंट के ऊपर नजर बनी रहती है, उनको पता है कि कंपनी का ओनर विजिलेंट है, और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर होल्डर्स कंपनी के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो भी देखना होता है। स्टेक होल्डर थ्योरी इज कॉल्ड सोशल थ्योरी, दैट इज आप दूसरों की नजर में कैसे हो, दैट्स कॉल्ड स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे ये जानना होता है कि हमारे क्रिएटर्स, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सोशल कम्युनिटी हमारी कंपनी को कैसे देखते हैं, उनके बारे में क्या बातचीत करते हैं, उनकी क्या रिलेटिवनेस है। ओके, पतंजलि ने एक अच्छा खासा फेस देखा है, द राइज द फॉल द राइज। कभी कभी पतंजलि की बात करते हुए कई लोग बोलते थे डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, घास फूस वाली कंपनी, बट यस, इसने घास फूस वाली कंपनी ने एक अच्छा खासा फेस देखा है, एक टाइम पे बहुत अच्छी टर्नओवर ली है, फॉल भी देखा है, सेल्स में काफी डिप भी आया था, अगेन राइज, उसने रुचि सोया एंड न्यूट्रेला ब्रांड एक्वायर कर लिया। तो न्यूट्रेला एंड रुचि सोया ब्रांड बिलोंग्स टू पतंजलि, तो इंटरनेशनली वो न्यूट्रेला ब्रांड से चल रहा है। सो ये सोशल थियोरी है, व्हाट अदर्स थिंक एंड डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट थिंकिंग। बाकी अगर मैं पतंजलि की बात करूँ तो आई मस्ट से इट्स अ रियल गुड कंपनी, डोमेस्टिक लेवल पे बहुत जनों को एम्प्लॉयमेंट दी, एंड वी हैव बीन टू द हरिद्वार प्लांट ऑल्सो, कितने जनों को काम मिला हुआ है, दैट कंपनी हैज एक्चुअली डन अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, बहुत जनों को एक्चुअली उनके घर चल रहे हैं, बहुत जनों को काम है, कई लेडीज को काम दिया गया है, सो थैंकफुली दैट कंपनी इज एम्प्लॉइंग गुड लॉट, एंड प्राउडली इट इज दैट इंडियन मेड गुड्स आर सोल्ड इन इंडिया, तो वो बहुत इफेक्ट करता है इकोनॉमी को घुमाने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंस स्टेक होल्डर्स हैव डिफरेंट सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स एट टाइम्स आर कॉन्फ्लिक्टिंग। सो स्टेक होल्डर्स थियोरी को मैनेज करना आसान नहीं है, बिकॉज डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, और एक जगह से झगड़ा भी होता रहता है, तो आपको ये देखना होता है कि बैलेंस कैसे लाए। एंड स्टीवर्डशिप थियोरी इज कॉल्ड द मैनेजमेंट थियोरी, दैट इज मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलता क्या है, दे आर द गार्डियंस ऑफ द कंपनी, द मैनेजमेंट। ओके, मैनेजमेंट में काम करने वाले KMPs, मैनेजमेंट में काम करने वाले सीनियर एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट में काम करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सब के सब दे आर द गार्डियंस ऑफ द कंपनी। उनको ये ध्यान रखना है कि कंपनी में वैल्यू क्रिएशन हो रही है कि नहीं, और वही चीज आपसे बोलते हैं, जब तक आप किसी भी वर्क में वैल्यू क्रिएशन नहीं करते तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ओके, सो हाउ डू यू एड वैल्यू, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। सो नाउ आफ्टर द स्टेक होल्डर थियोरी और स्टीवर्डशिप थियोरी,
वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. ये टसल काफी टाइम पे रहता ही है, ओनरशिप किसकी, मैनेजमेंट किसका. तो ये टसल रहता ही है, ये थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है. दैट इज कंपनी के डायरेक्टर्स और कंपनी के शेयर होल्डर्स को. ओके, शेयर होल्डर्स देखो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवाते हैं. अब उनको उस पर विश्वास रखा हुआ है, तो उनको उससे वो रिक्वायर्ड नॉलेज चाहिए कि कंपनी वेल मैनेज हो रही है कि नहीं. क्लियर? इसलिए ओनरशिप एंड मैनेजमेंट को बैलेंस करना पड़ता है, और ये दोनों रोल सेपरेट है. आप या तो ओनर बन सकते हो या फिर हम मैनेजर बन सकते हो. ओके, तो इस रोल को समझना होता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली लाइफ में याद रखना एट व्हाट प्लेस यू आर प्लेइंग व्हाट रोल, उस तरह आप बैलेंस करते हो. एंड मेजॉरिटी माइनॉरिटी कंसेप्ट ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, यहां से यहां तक मत करो. नाउ इंडियन एथोस में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट हुआ था, तो उसके पीछे भी काफी चीजें हैं. हमारे इंडिया में भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले वेदास, मनुस्मृति, सोमदेव स्तुति, ओके, बृहस्पत्य, नीति स्तुति, अर्थशास्त्र, उपनिषद, ओके, काव्यस लाइक महाभारत, रामायण, भगवत गीता, बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, तो ये पढ़ के जरूर जाना. एंड डोंट वंडर ये एग्जाम में आता है कि नहीं आता है, ऐसे सब चीजें सब आता है. ओके, सो रामायण, दैट इज वाल्मीकि जी की रिटन रामायण, उसने काफी सारी चीजें, मतलब एथिकल प्रिंसिपल से गवर्नेंस करने का काम रामायण के अंदर आपको मिलता है. हाउ द किंग शुड ऑपरेट द किंग. भगवत गीता में आपको कई सारे लेसन्स मिलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स में से एक हो जाते हैं. दे गिव यू द लेसन्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, व्हाट शल द किंग और द अदर पर्सन्स डू. महाभारत आपको एक रियल टाइम लेसन देता है कि आपके आजू बाजू वाले लोग किस तरीके के हैं. तो इट गिव्स यू द रियल टाइम लेसन्स. ओके, यू कैन से महाभारत वॉज द एपिक बुक जो आपको ये बता सकता है कि हु शुड यू ट्रस्ट एंड हु शुड नॉट यू ट्रस्ट. And there are many internal lessons also. Clear? So ruler, how should he behave? And there are 100 chapters for the proper governance, जिसको शांति पर्व बोलते हैं. ये chapters actually जो वो थे, क्या नाम था उनका, युधिष्ठिर को देते हैं ना शांति पर्व में, वो बानों के सैया पे कौन लेटे हुए थे, भीष्म, भीष्म पितामह. भीष्म पितामह को जब उनकी लास्ट पार्ट आता है, that is he was hurt by so many arrows and he was lying, tab yudhishthir aata hai unse how should the king rule, to uske 100 chapters the, that's what bhishma pitama disclose. Okay, there are 100 chapters only for the shanti parva. So is shanti parva mein bhishma pitama disclose what should be the duties of a king. Okay, that's what it is known for this. Then कौटिल्य अर्थशास्त्र. कौटिल्य अर्थशास्त्र इज नथिंग बट अ चाणक्य नीति. और चाणक्य ने, ओके बाय द वे, ये इंडिपेंडेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कौटिल्य अर्थशास्त्र का. सो चाणक्य ने चार प्रिंसिपल, और क्यों आया है ये देखो, ये क्या लिखा है, इसलिए आया है. सो कौटिल्य अर्थशास्त्र में चार वैदिक ज्ञान की बातें हुई. एक किंग से एक्सपेक्टेड है, और आज की किंग किंग नहीं है पर कंपनी से एक्सपेक्टेड है, रक्षा, देयर इज अ प्रोटेक्शन दैट इट गिव्स, वृद्धि, दैट इज अ ग्रोथ, पालना, दैट इज अ प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज दैट वी फ्रेम, एंड योगक्षेम, दैट इज अ आउटकम नेचर, कि हम अपने आउटकम रिजल्ट्स निकाल भी रहे कि नहीं. दैट्स वॉट इज नीडेड फ्रॉम टुडेज थिंग. ओके, ये कंटेम्प्रेरी इंडिया में चीजें डेवलप होती गई थी. ओके, एंड इंडिया के अंदर और का क्या क्या हुआ था, वेल नारायण मूर्ति कमेटी वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क कमेटी जिसने बहुत सारी चीजें सजेस्ट की थी. और एक बात बोलूँ तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक तरह का डेफिनेशन या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन इसी कमेटी ने दिया था. दैट वॉज वन ऑफ द लैंडमार्क डेफिनेशन कमिंग, फर्स्ट टाइम हम लोग कभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ रहे थे हमारी लाइफ में. सो दैट वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम नारायण मूर्ति कमेटी. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाय नारायण मूर्ति कमेटी पढ़ के जाना. फिर उसके बाद 1998 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिक स्टार्ट सीसीआई ने कर दिया था 1998 में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ के जाना कि सीसीआई ने उसका स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो जुड़ी हुई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से आगे बढ़ रही थी.
फिर उसके बाद सेबी ने कुमार मंगलम बिरला कमेटी बनाया, और कुमार मंगलम बिरला ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए थे, जिसको हम लोग ने उस टाइम के डीआईपी गाइडलाइंस में देखा था, डिस्क्लोजर्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस करके आता था। फिर उसके बाद एक टास्क फोर्स बना था पीएल संजीवा रेड्डी के अंदर, और उन्होंने ये सजेशन दिया था। ठीक है, एक मजेदार इंसिडेंट याद आता है, जब ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, स्टूडेंट कॉल्स मी अप एंड शी आस्क्ड मी दैट सर संजीवा रेड्डी के रिकमेंडेशंस क्या थे, ऐसा हमारे पूरे बुक में नहीं है सर, किधर है पीएल संजीवा रेड्डी, है ही नहीं सर, ये आउट ऑफ द क्वेश्चन पूछते रहते। तो मैंने उसको बताया कि उस टाइम पे पीएल संजीवा रेड्डी बुक में पीएल संजीवा रेड्डी जी के रिकमेंडेशंस भी थे। ठीक है, तो बताया कि इधर इधर है, और एक्चुअली उसका नाम ये था टास्क फोर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये लाइन हिट नहीं थी। ओके, व्हेन आई टोल्ड हर कि ये यहाँ पे है, हम लोग ने क्लास में अंडरलाइन भी किया था, तो शी चेक्स, ओ शिट, ये कहाँ कहाँ से पूछते हैं सर। सो दैट दिस थिंग हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, पीएल संजीवा रेड्डी का रिकमेंडेशन क्या था। ठीक है, बाकी एनरॉन के डिबैगल के बाद नरेश चंद्र कमेटी आई थी, जिसने एक्चुअली आज की तारीख की ऑडिट कमेटी का सजेशन दिया था। नरेश चंद्र कमेटी ने ऑडिटर ऑडिटर क्लाइंट रिलेशनशिप, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये सब इन्होंने सजेस्ट किया था। और एक लैंडमार्क कमेटी का रिव्यू आया था, नारायण मूर्ति कमेटी, क्लॉस 49 अप्रोच, नारायण मूर्ति कमेटी, बहुत ही बड़ा लैंडमार्क रिव्यू था हमारे लिए। ठीक है, मतलब वो फेज था जिस फेज से हम लोग गुजरे हैं, और एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखा है कि कैसे सभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना रही थी, और इट वॉज लाइक हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिस वगैरह में भी इम्प्लीमेंट करके देख रहे थे, और टीचिंग का पार्ट अलग चल रहा था। तो इट वॉज यू कैन से ईयर ऑन ईयर डेवलपमेंट हम लोग ने देखी उसकी। एंड जे जे ईरानी कमेटी ने कंपनी लॉ के बारे में सजेशन दिया था 1956 एक्ट में। इनफैक्ट चेंजेस के बारे में बात करूँ तो 2002 अमेंडमेंट में कंपनी लॉ अमेंड होने वाला था, अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज एंटायर कंपनी लॉ ही चेंज हो जाता, वो नहीं हुआ। तो 2004 में जे जे ईरानी कमेटी बनी, तो हम लोग डैम श्योर 2006 एक्ट आ जाएगा, वो भी फेल हुआ। फिर हम लोग डैम श्योर थे 2008 एक्ट आ ही जाएगा, वो भी फेल हुआ। फिर आया 2013 एक्ट, 2013 एक्ट एक्चुअली 1913 एक्ट के बाद आया। 1913 एक्ट क्या था, इंडिया का सबसे पहला कंपनी लॉ ये था। इससे पहले जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट ब्रिटेन का वो चलता था, हमारी कई कंपनीज 1913 एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट में बनी, ये वो एक्ट था जिसको बराबर से स्टडी करके बनाया गया था। 1956 में जब फ्रीडम हुआ तो हम लोग ने 1913 एक्ट के ही प्रोविजंस को मॉडिफाई कर लिया था बस, पर एक डेडिकेटेड एक्ट नहीं बनाया था। डेडिकेटेड एक्ट 2013 में एक्चुअली पूरी कमेटी बैठ के पूरा हर एक्ट के हर प्रोविजन को देख के फिर बनाया गया 100 साल के बाद 1913। और इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई है ना, क्योंकि हमारे टाइम पे जब हम लोग पढ़ते थे तो 1913 के बारे में भी पढ़ते थे, तो उस टाइम पे ये प्रोविजंस ऐसे होते थे, 1956 एक्ट उसके पहले 1913 एक्ट ऐसा होता था, वो सब पढ़ते थे। अब हम पढ़ रहे हैं 2013 एक्ट उसके पहले 1956 एक्ट। ठीक है, तो ये कमिटीज इस तरह से आई है। एंड यस, सीसीआई की टास्क फोर्स थी, छोटा सा ही पार्ट है इसका। एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वॉलंटरी कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये मैंने आपको समझाया भी था कि 2009 में एक वॉलंटरी गाइडलाइंस आई थी, पहले ये देख रहे थे सीएसआर इंप्लीमेंट होगा कैसे। फिर उसके बाद नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस 2011 आई थी, फिर उसके बाद एक्चुअली कंपनीज एक्ट आया था। ठीक है, एंड पॉलिसी गवर्नेंस 2011 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने आदि गोदरेज जी के गवर्नेंस में कमिटी हेड के वजह से करी थी, और 2013 में कंपनीज एक्ट आ गया। ठीक है, अब 2015 में सेबी ने क्या किया, ऊपर दिए गए सारे कमेटी के रिकमेंडेशंस को रेगुलेशंस में कन्वर्ट कर दिया। वो हमारे लिए भी एक झटका था 2015 सेबी एलओडीआर, क्योंकि सारे प्रोविजंस चेंज होके एक ड्राफ्टेड रेगुलेशंस रेडी हो गया था। ठीक है, तो इसका मतलब कई बार ऐसा हुआ है, आज भी जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, और आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि अचानक से पढ़ने के बाद अचानक से पूरा का पूरा रेगुलेशन ही चेंज हो जाए, एंड पूरी चीज़ बैठ के आपको वापस से पढ़नी पड़े।
अभी एक रिसेंट रेगुलेशन वैसे ही चेंज हुआ है, ओके, फेमा के अंदर एक रेगुलेशन था ओडीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वो पूरा रेगुलेशन ही चेंज हो गया है, ओके, ओवरसीज इन्वेस्टर्स रेगुलेशंस आ गया है। सो इट्स अ ड्रास्टिक चेंज दैट हैज हैपेंड। हम लोग उसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट का डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, ये सब चीज़ें आ चुकी है। सो दैट्स अनदर गुड चेंज। सभी भी चेंजेस डालते जाता है, कंपनी लॉ भी चेंजेस डालती जाती है, बहुत कुछ चेंजेस आते रहते हैं। ओके, हाँ, वो प्रपोजल्स वगैरह, और अभी विंटर सेशन चल रहा है, अगर ये विंटर सेशन में ज़्यादा कुछ एक्ट पास नहीं हुए तो अच्छा है, फिर टेंशन ख़त्म, दिसंबर 23 तक टेंशन ख़त्म। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा एक्ट वैक्ट पास हो गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बिल्स ऐसे पड़े हैं जो क्रिटिकल बिल्स हैं, इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट एंड कॉम्पिटिशन बिल, वो भी पड़ा हुआ है। तो अगर वो पास हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी यार, बहुत चेंजेस आ जाएंगे फिर से। ठीक है, बाकी तुम लोगों को इतने चेंजेस एप्लीकेबल नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा चेंजेस का डेट ये था, तो ये जा चुका है, तो इसके आगे अब कुछ नहीं है। ओके, नाउ एलओडीआर के अंदर ये शॉर्ट नोट के तौर पे याद रखना कि ये चेंजेस थे। अब एक आया था क्वेश्चन एग्जाम में, उदय कोटक कमिटी। उदय कोटक कमिटी ने 2017 में जो रिकमेंडेशंस दिए थे, ओके, वही चीज़ आपको सेबी में कई जगह पे दिखती है कि ये तारीख से इतना लिख जाएगा, ये तारीख से इतना लिख जाएगा, ये सब थैंक्स टू उदय कोटक कमिटी, बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। एक चीज़ याद रखना, यहाँ से यहाँ तक याद रखना, व्हाट इज़ द उदय कोटक कमिटी रिकमेंडेशन। ओके, बहुत डिटेल रिकमेंडेशन दिए थे, सेबी ने सारे रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं किए हैं, ओके, एंड रिमार्केबल कमिटी एक्सेप्ट रिकमेंडेशन थे। तो रिलेटेड पार्टी वगैरह ये सब, इनफैक्ट अभी जो रिलेटेड पार्टी का चेंजेस डाला है उदय कोटक कमेटी के रिकमेंडेशंस, अब जाके एक्सेप्ट करके डाला है। तो सभी एक्चुअली वो चीज़ें रेडी कर रहा है और फिर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, कमेटी 2017 में बनी थी और कमेटी ने 11 चैप्टर्स में डिवाइड किए थे, ये उसके 11 चैप्टर्स, ये पूछे तो लिखना, नहीं तो ये पार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सम ऑफ द मेजर चेंजेस क्या दिया उन्होंने, सम ऑफ द मेजर चेंजेस, तो यहाँ से मेजर चेंजेस शुरू होता है, यहाँ तक जाता है, ये उन्होंने मेजर चेंजेस दिए थे। ये इंडिपेंडेंट शॉर्ट नोट है, ओके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, QIP नॉर्म्स के हिसाब से रिलेटेड पार्टी, ये सब मेजर चेंजेस है। ओके, ये चैप्टर पढ़ने का तरीका वही है, पहले आप अपने स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स पढ़ लो, लास्ट में इधर आना, क्योंकि ये सारे ये सब चीज़ें समरी है तो आपको याद होता जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, अब पता नहीं इंस्टीट्यूट को कुछ अच्छा लगता है बीच में हमेशा इंटरनेशनल डाल देता है, ये देखो फिर से हम थोड़ा नेशंस विशंस घूमने वाले हैं। तो सबसे पहले यूके का स्टीवर्डशिप कोड डेवलप कैसे हुआ, साबिन सॉक्सली एक्ट कैसे हुआ, यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऑस्ट्रेलिया का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, OECD प्रिंसिपल्स। ओके, सो पैक योर बैग्स, लेट्स गो। USA, अगेन सो वी आर रीचिंग USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे 1970s के आसपास कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टर्म्स काफ़ी हद तक फेडरल पॉलिसीज में दिखने शुरू हो गए थे। फिर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 में डेवलप हुआ था, इनफैक्ट ये एक्ट है जो ज्वाइनिंग डॉक के टाइम पे आपसे भी साइन करवाते हैं FCPA, और एज अ प्रैक्टिसिंग हमसे भी साइन करवाते रहते हैं FCPA। FCPA रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज हम लोग कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में नहीं है। ठीक है, सो अगर हो तो भी लिखने का नहीं उधर, देन हाँ सिर्फ वेडिंग, ये सब चीज़ें याद नहीं करनी है, सिर्फ ये बाजू का याद रखने का। US सिक्योरिटी कमीशन एक्ट बना था, और उसके बाद कोसो जिसने डेवलप किया था वो था ट्रेडवे कमीशन्स 1985, और कोसो फ्रेमवर्क डेवलप हुआ था। उसके बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा फॉल आया था US मार्केट्स में, तो एज अ रिजल्ट 2002 में साबिन सॉक्सली एक्ट आया था, वर्चुअल चेंजेस दैट इज नीडेड इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और फिर मार्केट में फ्रॉड को देखते हुए डॉट फ्रैंक वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स आया था, ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डॉट फ्रैंक्स वॉल स्ट्रीट रिफॉर्म्स। तो ये बात था USA का। UK के अंदर कैसे डेवलप हुआ था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, UK में कैडबरी कमिटी वाज वन ऑफ द फर्स्ट कमिटी टू डेवलप,
सर एड्रेन कैडबरी. ओके, सो कैडबरी कमिटी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कमिटी टू डेवलप. जब आप इंडिया के बाहर ट्रेवल करना शुरू करते हैं ना, ग्रेजुअली यू स्टार्ट पिकिंग अप दोज एक्सेंट ऑल्सो, एंड इफ यू डोंट पिकअप यू विल नॉट इवन अंडरस्टैंड वॉट दे आर स्पीकिंग. सो इंडिया के बाहर जब आप ट्रेवल करने होंगे ना, तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा. फिर आपको ये भी समझ में आएगा दैट इफ यू गो टू आयरलैंड दे स्पेसिफाई ऑन आर, इफ यू गो टू दैट इज स्कॉटलैंड दे स्पेसिफाई ऑन आई, इफ यू गो टू इंग्लैंड दे स्पेसिफाई ऑन ई. तो ऐसे वो सब वहाँ पे वो एम्फोसिस कैसे देते हैं, वो किस पे बताते हैं, वो चीज़ें सब समझ में आएगा. ठीक है, सो कैडबरी कमिटी अपने आप में, बाय द वे ये सारी कमिटीज है ना, ओल्ड कोर्स में छोटा छोटा शॉर्ट नोट आता था 3-3 मार्क का, कैडबरी कमेटी का शॉर्ट नोट. तो बस इतना ही लिखने का कि कैडबरी कमेटी थी, उसने ये सब दिया था. लेकिन बस थोड़ा बहुत पढ़ के इसलिए जाना कि है तो ये कुछ नहीं, क्योंकि इसी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस बना है. तो अब आज जो आप पढ़ रहे हो वो इसी से बना है, तो आपको मालूम है कि ये सारे प्रोविजन्स है, क्लियर. लेकिन ये आप पढ़ोगे ना तो थोड़ा आइडिया आ जाएगा लिखना क्या है. अब हुआ क्या था, कैडबरी कमेटी के बाद ग्रीनबरी कमेटी डेवलप हुई थी, और इन्होंने कमिटी नॉर्म्स डेवलप किए थे, रेमुनरेशन कमिटी, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका रेमुनरेशन कमेटी ग्रीनबरी कमेटी थी. हैम्पल कमेटी ने पहली बार, ओके, हैम्पल कमेटी ने पहली बार अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑडिट एंड अदर सिस्टम डेवलप किए थे, क्योंकि यूके में कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी धीरे 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 करके डेवलप हुआ है, जैसे हमारे यहाँ पे भी कमेटी फॉर्म्स में डेवलप हुआ है. ओके, सो दैट वॉज द हैम्पल कमेटी नॉर्म्स. फिर आया था टर्नबुल कमेटी. ओके, टर्नबुल कमेटी, क्लियर. सो टर्नबुल कमेटी क्या था, दैट इज इट इन्फॉर्म्स द, इसने क्या कर दिया, सारा का सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो बना था उसको कंबाइंड कोड किया. पहली बार यूके में सारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक साइड आ रहा था. तो अब वो जैसे आज हमारा एलओडीआर है, तो उन्होंने पहली बार कंबाइंड रिपोर्ट और इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस पहली बार डेवलप किया था. ओके, आज जो आप एलओडीआर, आईसीडीआर ये सब देखते हो ना, ये कई कमिटीज के सजेशन थे जो धीरे 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 करके रेगुलेशंस में बने हैं. ठीक है, एंड हिग्स कमिटी रिपोर्ट. हिग्स रिपोर्ट इज अनदर फेमस शॉर्ट नोट. हिग्स कमिटी रिपोर्ट ने पहली बार डायरेक्टर्स, 50% डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह वो सब की बात की थी, जिसको हम आज यहाँ पे लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं. ठीक है, वॉकर्स रिपोर्ट, बैंकिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर वॉकर्स ने रिपोर्ट दी थी. अच्छा, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वॉकर्स ने रिपोर्ट दी थी, इतना ध्यान रखना. ओके, एंड देन यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, वहां पे लिख दो लेसन 9, अभी आपने पढ़ा यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट. ठीक है, यूके स्टीवर्डशिप कोड, अच्छा इसके बारे में पढ़ के जाना. स्टीवर्डशिप कोड क्या था, ये कोड डेवलप किया था फॉर रिस्पॉन्सिबल एलोकेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट ऑफ क्लाइंट्स एंड बेनिफिशरीज. दैट इज, वैसे ये पढ़ लिया है आपने, लेसन 8 में आ चुका है, एसेट मैनेजर्स एंड 6 प्रिंसिपल फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स. ओके, ये आपने लेसन 8 में कर लिया है, इट्स एक्चुअली डन ना. बट ये स्टीवर्डशिप कोड यूके में डेवलप किया गया था कि हम जहाँ पे पैसा डालते हैं उन उन कंपनीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जानने के लिए. सो ये उसके प्रिंसिपल्स थे, 12 प्रिंसिपल्स फॉर दैट, इन्वेस्टमेंट एंगेजमेंट वगैरह, एंड 6 प्रिंसिपल फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू द कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन यूएसए. यूएसए में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे डेवलप हुआ, अब यूएसए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उनके अपने अपने फेडरल स्टेट के स्टेट लॉज हैं, और आप शायद जान के हैरानी भी होगी, उनके सारे स्टेट्स में कंपनीज एक्ट नहीं है. ओके, दे डोंट हैव कंपनीज एक्ट एट एवरी स्टेट, दे डोंट इवन हैव लार्ज कंपनीज इन मेनी स्टेट्स ऑल्सो, क्लियर. तो यूके में, यूएसए में नियरली 51 स्टेट्स है, बट यू डोंट फॉलो कंपनीज एक्ट ऑन ऑल दिस थिंग इन मेनी ऑफ द स्टेट्स. तो बेसिकली ये आपको द बिग एप्पल का पार्ट दिखता है, दैट इज कॉल्ड न्यूयॉर्क. सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क उसके हिसाब से डेवलप होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के हिसाब से और एसईसी के हिसाब से. ओके, एसईसी के हिसाब से उसका शॉर्ट नोट क्या था, दैट इज एसईसी क्या था. एसईसी एक सिक्योरिटी एक्सचेंज, जैसे हमारे उधर सेबी है ना, वहां पे एसईसी है, यूएस का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन. ठीक
है, वो इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन करता है, फ्रॉड्स पकड़ता है, वो बहुत सारी चीज़ें ब्रोकर्स वगैरह को गवर्न करता है, ये सब काम करता है। साबिन्स ऑक्सले एक्ट, एक्चुअली ये रहा उनके नाम, पॉल साबिन्स, माइकल ऑक्सले, इन दोनों ने मिलके बनाया था। पॉल साबिन्स इज माइकल ऑक्सले। एक्चुअली इन दोनों के नाम मैंने सुने हुए हैं। एक पिक्चर आई थी इंडियाना जोन्स, यस इट वॉज देयर, इंडियाना जोन्स एंड द ट्रेजर ऑफ दिस, सो दैट वॉज अनदर गुड मूवी, एंड उसके अंदर इसका नाम आता है पॉल साबिन्स माइकल ऑक्सले, कैसे वो हेल्प करते हैं। ठीक है, गुड। सो साबिन्स ऑक्सले एक्ट, दैट इज एन ऑक्सले एक्ट, जहाँ पे शेयर होल्डर्स अकाउंटिंग करते हैं और किस तरह से फ्रॉड हुआ था, और फिर उन्होंने पूरी रिसर्च करके डेवलप किया था। हमारा एलओडी और काफ़ी सारे नॉर्म्स इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, और इनका इन्फ्लुएंस यूरोप पे भी काफ़ी पड़ा था, इसी वजह से OECD प्रिंसिपल्स भी इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है, इस एक्ट की नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इन्होंने जो सजेस्ट किए थे, ये सब नहीं पढ़ने का, ये याद रखना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म, डिस्क्लोजर्स इन पीरियोडिक रिपोर्ट रिफॉर्म्स, मैनेजमेंट असेसमेंट रिफॉर्म्स, रियल टाइम डिस्क्लोजर्स रिफॉर्म्स, क्रिमिनल पेनल्टी रिफॉर्म्स, प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज रिफॉर्म्स, अटेम्प्ट्स एंड कॉन्स्पिरेसीज रिफॉर्म्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफॉर्म्स, सो दैट्स वॉट। एंड यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे डेवलप हुआ था, यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट, कैडबरी कमेटी और ये सब होने के बाद आज का जो लेटेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो कैसे चल रहा है। ओके, लेट्स सी दिस। सो FRC, देयर इज अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल, ने 2018 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इफेक्टिवनेस के बारे में बताया था, और फिर उन्होंने 2018 में जो फ्रेमवर्क डेवलप किया था वो लिस्टिंग रूल्स डेवलप हुए थे। एक्चुअली ये लेसन 9 में आपने पढ़ भी लिए हैं, वहाँ पे इसमें बॉक्स करके दिया है, वहाँ पे हेडिंग करके दिया हुआ है। ओके, सो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कॉम्पोजिशन एंड सक्सेशन रूल्स, ऑडिट रूल्स, ओके रेम्यूनरेशन रूल्स, ओके फाइन। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया, ओके अ लैंड ऑफ कंगारूज, और अगर ऑस्ट्रेलिया जाओ ना, कंगारू देखने लायक चीज है, फर्स्ट टाइम बिकॉज इट वंडर, क्योंकि ऑल कहीं पे भी नहीं दिखता ऐसा कोई एनिमल, सो इट्स वर्थ वॉचिंग, बट थोड़ा दूर से देखने का, क्योंकि ही दैट हिट्स द हेड ऑल्सो, आगे से अगर उसको थ्रेट लगता है ना तो सर मारता है, तो जोर से लगता है वो, और उसकी टेल भी बहुत जोर से लगती है, बट अगर वो फ्रेंडली हो जाए तो इट्स वेरी गुड यू टू एक्सपीरियंस अ कंगारू, बिकॉज हाउ डज एनिमल लाइक दिस स्ट्रक्चर इज स्टैंडिंग एंड एक अच्छा, और उसका चलना वगैरह बहुत। और दूसरा, अगर ऑस्ट्रेलिया जाओ तो ऑस्ट्रिच जरूर देखना, वर्थ वॉचिंग है, क्या हाइट है, क्या फ्लाई है, एंड क्या रन है उसका, ऑस्ट्रिच का। ठीक है, एंड अनदर थिंग दैट यू एक्सप्लोर इन ऑस्ट्रेलिया इफ यू वॉचिंग ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच एग बिग साइज देखने लायक होता है, इट्स सच अ बिग एग। ओके, बिकॉज पिक्चरों में देखना अलग है, एंड वेन यू एक्चुअली सी दैट थिंग इट्स डिफरेंट। और थर्ड थिंग इन ऑस्ट्रेलियन जू वर्थ वॉचिंग इज दी स्नेक्स, रेप्टाइल्स, अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, बहुत ही आउटस्टैंडिंग थिंग है वहाँ पे, रेप्टिलिटी। ओके फाइन, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अगर बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने, वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज नहीं है, लिमिटेड है, बट जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो लिस्टेड है उनके हिसाब से क्या क्या गवर्नेंस है। सी, गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स ऐसी है कि ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस स्टेक होल्डर्स के डेवलपमेंट के हिसाब से, काफ़ी सारे इनसाइट के हिसाब से गवर्नेंस डेवलप करता है। 1 जनवरी 2020 को उन्होंने अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क डेवलप किया था, जिसमें ये लिखा कि अगर आपकी कंपनी कंप्लाई करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो वाई, तो इफ नॉट देन वाई अप्रोच, आप क्यों कंप्लाई नहीं कर पा रहे। और उन्होंने प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे उस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से, अगर प्रिंसिपल्स डेवलप किए थे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो 8 प्रिंसिपल्स हैं, इसके बारे में ध्यान रखना। ले द फाउंडेशन एंड द मैनेजमेंट ओवरसाइट्स, जितना मार्किंग है उतना ही ध्यान रखना। स्ट्रक्चर्स ऑफ बोर्ड एंड इफेक्टिवनेस, इंस्टॉल द कल्चर ऑफ लॉफुल एंड एथिकल कल्चर, ओके सेफ गार्ड द इंटीग्रिटी इन कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स, मैनेज टाइमली एंड बैलेंस्ड डिस्क्लोजर्स, रिस्पेक्ट सिक्योरिटी, रिकॉग्नाइज द रिस्क एंड रेमुनरेशन फैमिली। सो ये उनके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस चल रहे हैं। ओके, हमारे उधर ऐसी चीज कहाँ पे मिलेगी, एनीबडी
हमारे उधर ऐसी चीजें ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स है कहाँ पे मिलेंगे? LODR में कहाँ पे मिलेंगे? हमारे उधर रेगुलेशन 4 में मिलेंगे, क्योंकि हमारा रेगुलेशन 4 हमारे प्रिंसिपल्स की बात करता है। क्लियर? याद आया? मैंने बोला था रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेक होल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइमली इंफॉर्मेशन, इक्विटेबल ट्रीटमेंट। क्लियर? वो सारे एक्चुअली प्रिंसिपल्स है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई प्रिंसिपल किसी प्रोविजन को, कोई प्रोविजन प्रिंसिपल को ओवरराइड करता है तो प्रिंसिपल विल प्रिवेल। ठीक है, पूरा पार्ट पढ़ चुके हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंगापुर। ओके, सिंगापुर की रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है? वेल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिंगापुर अनदर लिस्टेड कंपनीज, और ये एक अलग ही तरीके का लिस्टिंग नॉर्म्स भी देता है। एंड कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स याद रखना, इनके बेसिक प्रिंसिपल्स में से ये नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स में से समथिंग 13 प्रिंसिपल्स देते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर 6 ऑफ देम टू फ्रेम योर गुड आंसर। ओके, क्या वो? हाँ, नाउ यहां पे उसका नाम भी आया, सुप्रीम कोर्ट का जज मेरविन किंग, जिनके बेसिस पे किंग्स रिपोर्ट बनी थी। ओके, तो प्लीज एग्जाम में याद रखना इसका नाम ये है, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे नाम लिखते हैं मार्टिन लूथर किंग, जिनके बेसिस पे किंग रिपोर्ट बनी थी। माय गुडनेस, इट वाज नेवर मार्टिन लूथर किंग, ही वाज अ गांधियन। ओके, सो कुछ का कुछ हो जाएगा, तो प्लीज वो गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, सो किंग्स रिपोर्ट 1, 2, 3, 4 इसके बेसिस पे बनी थी, मेरविन किंग। एंड किंग 4 रिपोर्ट एक्चुअली आज के तारीख में उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ साउथ अफ्रीका बोलते हैं, जो अगेन अप्लाई एंड एक्सप्लेन बेसिस पे है। या तो आप फॉलो करो, नहीं कर रहे तो उसका रीजन्स दो। ओके, अपने उधर अप्लाई एक्सप्लेन नहीं है, अपने उधर ओनली अप्लाई है। ओके, अप्लाई और पीनल बेसिस पे है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द किंग्स रिपोर्ट वॉज दिस मच। ओके, अच्छा, एग्जाम में शॉर्ट नोट पे ऑब्जेक्टिव अलग से पूछा है तो लिख के आना। ठीक है, यहीं तक। प्रिंसिपल्स अगर पूछे तो लिखना, क्योंकि प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, तो प्रिंसिपल्स अगर पूछे तो लिखना। और एक टाइम आएगा, अगर आपने जनरली सारे प्रिंसिपल्स पढ़े ना, तो आपको लगेगा ऑलमोस्ट सारे प्रिंसिपल्स कॉमन है, नियरली नियरली एक ही चीजों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपको करना क्या होगा, जब जब प्रिंसिपल्स पढ़े हो, दिमाग में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो लिखते जाओ बस, हेडिंग। अल्टीमेटली आपके प्रिंसिपल्स डेवलप हो जाएंगे, कि आपको मालूम है इन्हीं में से मुझे एग्जाम में प्रिंसिपल्स लिखने हैं। ओके, अगेन देखो यहाँ पे प्रिंसिपल्स किस पे आए, लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, एथिकल होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कैसे चल रही है वो ध्यान रखना है। ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन शुड बी प्रॉपर, गवर्नेंस फंक्शनल एरियाज शुड बी प्रॉपर, एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। और अब आते हैं यूरोप की तरफ, अगेन इस चीज का ध्यान रखना, ये आया है। सो OECD प्रिंसिपल्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, बिकॉज ये वर्ड आ चुका है। तो OECD प्रिंसिपल्स एग्जाम की तरफ से, OECD प्रिंसिपल्स अगेन, अच्छा ये प्रिंसिपल्स यूरोप में वाइडली एक्सेप्टेबल है, OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, वहां पे ये काफी हद तक चलता है। ओके, और G20 नेशंस जो है OECD प्रिंसिपल्स को प्रमोट भी करते हैं। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरी, तो एज द रिजल्ट इंडिया हैज अडॉप्टेड दैट। ठीक है, नाउ G20 नेशंस के हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? वेल, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट बोर्ड स्टेक होल्डर्स टू स्ट्रक्चर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। तो G20 नेशंस के हिसाब से कॉर्पोरेट गवर्नेंस हर किसी कंपनी को डेवलप करना पड़ेगा। और यहाँ से यहाँ तक याद रखना, अगर आपसे प्रिंसिपल्स नहीं पूछे तो शॉर्ट नोट इतना ही है। ओके, G20 समिट के हिसाब से अगर प्रिंसिपल्स पूछे तो रिमेंबर देर आर 6 चैप्टर्स, और इन्हीं को याद रखना, ये नीचे वाला कंटेंट नहीं, हेडिंग्स याद रखनी है।
So ensuring basis of effective corporate governance framework, the right of equitable treatment for the stakeholders and key ownership functions. Okay. Then institutional investors and stock market intermediaries and role of stakeholders and corporate governance, disclosures and transparencies to be observed, responsibility of the board. Okay, fine. Finnish corporate governance. Okay, ये फिनलैंड का है और yes फिनलैंड का भी लिया हुआ है उन्होंने corporate. और ये नेशन एक्चुअली एक बहुत अच्छे नेशंस में, स्कैंडिनेवियन नेशंस में फिनलैंड इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड नेशंस टू विजिट. ओके, हैप्पीएस्ट डेनमार्क इज द हैप्पीएस्ट, फिनलैंड इज रियली अ गुड नेशन टू विजिट. वहाँ पे अगर एजुकेशन सिस्टम देखो ना, तो 7 साल तक बच्चों को स्कूल्स का एजुकेशन नहीं देते, नो स्कूल्स नो केजी वगैरह. ओके, उनको आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन यानी घर पे और उस तरह से सिखाते हैं, तो दे डोंट गिव देम. और वहाँ की एक्चुअल एजुकेशन सिस्टम में दे पॉलिश द एबिलिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स अलॉट. फिनलैंड में ये काफ़ी होता है, द एबिलिटी टू पॉलिश योर कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड मतलब वो एक दूसरे से काफ़ी रिस्पेक्टफुली बातचीत करने पर उस पर बिलीव करते हैं. सो दैट इज़ हाउ देयर कल्चर हैज़ डेवलप्ड. Okay, and it's a very good place to visit, surrounded by water. Okay, and they have it's like yahan se wahan tak jaane ke liye bhi unke boats hain. So it's surrounded by, jaise hamara the trains hai na, wahan pe boats bahut common hai. So from this part to this part you can actually go by water, and clean water hai kafi. Theek hai, so it's a very good place. Usi ke aas paas aapko Norway mil jayega, another good place to visit. Okay, so फिनलैंड का कॉरपोरेट गवर्नेंस, अगेन आई एम टेलिंग यू, फिनलैंड में बहुत सारी कंपनीज नहीं है. इंस्टीट्यूट आपको सिर्फ इतना बता रही है कि अलग अलग नेशंस में भी कॉरपोरेट गवर्नेंस है. दूसरा आपको इंस्टीट्यूट बता रही है कि अगर आपने प्रॉपरली सीएस किया और इंटरनेशनल कोर्स में किया, दैट इज़ हमारा यूके का ACIS कोर्स जो होता है वो बराबर किया, तो आप दूसरे नेशंस में काम भी कर सकते हो इफ़ यू आर एक्चुअली डेप्यूटेड और एम्प्लॉयड ओवर देयर. तो स्कोप कहीं ना कहीं इंडिया के बाहर भी है, इंस्टीट्यूट आपको वही बता रही है. वहाँ पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स तो है. ठीक है, सो फिनलैंड का कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? अब देखो, अगर फिनलैंड का कॉर्पोरेट गवर्नेंस शॉर्ट नोट पे पूछा तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं ख़त्म कर देना. मैं वापस से दिखाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मैं ख़त्म कर देना. अगर शॉर्ट नोट पूछा तो, अगर शॉर्ट नोट नहीं क्वेश्चन पूछ लिया 5 मार्क्स वगैरह, देन गो अहेड डू दिस मच एंड दिस मच. ओके, इफ दे आस्क यू द 5 मार्क्स क्वेश्चन, देन यू हैव टू राइट फ्रॉम हियर टू हियर कंप्लीट. ओके, एंड लास्ट में फिनलैंड का ये, बाकी इटालियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बहुत लोगों को पसंद है ना, पिज्जा, इटालियनो, पास्ता, ओके, मशरूम्स, ओके, बहुत से लोग खाते हैं. ठीक है, फाइन. इटली के अंदर इटालियन की मेन मार्केट्स जिसको स्टॉक मार्केट्स बोलते हैं उसको इस नाम से जानते हैं, मर्कैटो, टेलिमेशिया, एजिरोनारियो. ओके, Mercato, Telemacia, Azinonario, ऐसे करके जानते हैं वो लोग. और वहाँ पे कंपनीज को Brosa Italiano ऐसा करके बोलते हैं. तो अगर आपको इटालियन पूछा ना, तो ये दो नाम याद रखने गए, एग्जाम में लिख के आना. मेन मार्केट्स को ये नाम से जानते हैं और ये कंपनीज को, और अच्छे से याद करना. ऐसा मत लिख देना ये मेन मार्केट है ये कंपनी है. ओके, तो स्पेलिंग अच्छे से याद करके जाना. ठीक है, सो इटली का फॉलिंग पिज्ज़ा बहुत फेमस है, बाकी तो बहुत सी चीज़ें फेमस है. इटली का वेनिस भी बहुत फेमस है. सो यहाँ पर इटालियन कोड्स के हिसाब से क्या क्या चीज़ें, वेल, अडॉप्शन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट इज द मेन क्राइटेरिया. देर आर 6 आर्टिकल्स टू बी स्टडीड एंड द कोड हैज़ फॉर इटालियन कंपनीज. यहाँ तक जब पार्ट आता है तो आपका शॉर्ट नोट खत्म हो जाता है, बट वेन यू आस्क यू समथिंग लॉन्ग, तो फिर कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस भी लिखना. कंपनीज हैज़ टू अडॉप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हैज़ टू बी फॉलोड. ओके, तो यहाँ तक इतना पॉइंट आएगा.
एंड प्लस नीचे का थोड़ा सा पार्ट, कमिटीज को 2 साल में मीट करना पड़ता है। ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी 6 मार्क का भी क्वेश्चन आया हुआ है, इटालियन वाला एक बार पूछा हुआ है 5 मार्क या 6 मार्क के हिसाब से। तो नीचे का पार्ट भी मार्क करके जाना, एप्लीकेशन नेक्स्ट पेज पे 2022 का इम्प्लीमेंटेशन तक चल रहा है। सो इटली का पार्ट शुरू हो चुका है। ओके, और लास्ट में हम आते हैं जापान। ओके, सो वी आर कमिंग बैक टू जापान नाउ। ओके, अगर आपने लेसन 8 में इसको पढ़ लिया तो इस ये वाले प्रिंसिपल्स को यहीं पे उसके साथ पढ़ लेना, तो क्या होता है साथ में रीडिंग हो जाती है ना, काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, जापान में स्टीवर्डशिप कोड करके प्रिंसिपल्स काफी फेमस है। दे वांट अ प्रोएक्टिवनेस, दे वांट प्रोएक्टिवनेस, इसलिए स्टीवर्डशिप। दैट इज हाउ विल यू इन्वेस्ट जापानीज फंड्स इन वेरियस कंपनीज, व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डूइंग, व्हाट इज द पर्पस दे आर ट्राइंग टू अचीव। आज जापान ने इंडिया में बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारा। सो व्हाट इज द एंड रिजल्ट जापानीज इज गेटिंग। अब क्योंकि इंडिया से उसको अच्छा आउटकम दिख रहा है, तो जापान इज नॉट माइंडिंग इन्वेस्टिंग फर्दर ऑल्सो। क्लियर? नहीं तो जापान की सिचुएशन में इकोनॉमिकल हर्डल ये आ गया था कि जापान की इकोनॉमी है ना, अचानक से एक स्टैगफ्लेशन पे आ गई थी, कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा था आगे कैसे चलना है। थैंक्स टू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया और मैनी अदर नेशंस, के छोटे से जापान को अब आगे का मूवमेंट मिल गया है। ओके, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इट्स रादर एवर ग्रोइंग इकोनॉमी। ओके, सो यहाँ पे दिस कोड डिफाइन्स द प्रिंसिपल्स एंड हेल्पफुल फॉर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहाँ पे इन्वेस्ट करें, क्यों करें, वो सब सोच के। एंड दिस कोड्स गिव यू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अ फ्रेमवर्क। वैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वगैरह के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ा था, वो अच्छे से पढ़ जाना तो आपको ये पूरा जापान का स्टीवर्डशिप कोड ईजी लगेगा। कि हमने पढ़ा था प्रॉक्सी एडवाइजर्स क्यों होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों होते हैं। ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फ्रेमवर्क कैसे डेवलप होता है, तो उसके बारे में जरूर देख के जाना। एंड एसेट ओनर्स हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट, एसेट मैनेजर्स हैज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। क्लियर? सो ये था जापान के बारे में। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट को छोड़ के पीछे का पार्ट सब इधर उधर के नेशंस के बारे में है। ओके, अगेन ये चैप्टर सी कैटेगरी में चल रहा है, मतलब इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट।